सभी का नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, ट्विन टावर पहुंचा विस्फोटक। भारी सुरक्षा के बीच विस्फोटक पहुंचाया जा चुका है। पलवल से नोएडा पहुंचा विस्फोटक और आज 2:30 बजे टेस्ट ब्लास्ट होना है। 14वें और बेसमेंट में ये ब्लास्ट होना है, टेस्ट ब्लास्ट होगा ये। कुल 6 पिलर्स में टेस्ट ब्लास्ट किया जाएगा। 2:30 बजे का समय इसके लिए तय किया गया है। पलवल से विस्फोटक नोएडा पहुंच भी चुका है और ट्विन टावर को गिराने का आदेश है कोर्ट की तरफ से। और आज देखिए इसके लिए टेस्ट ब्लास्ट होने वाला है। कुल 6 पिलर्स में इसका टेस्ट किया जाएगा। कितनी मात्रा विस्फोटक की होनी चाहिए, इन तमाम चीजों नियमों का ध्यान रखा जाएगा। वहां पर पूरी तरीके से अधिकारी मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। 2:30 बजे का समय है जब टेस्ट ब्लास्ट होना है। तो सुपरटेक बिल्डिंग के पीछे की कहानी क्या है और इसे गिराने के निर्देश से पहले क्या क्या घटनाएं हुई हैं, ये जान लेना भी बहुत जरूरी है। चलिए ग्राफिक्स से आपको बताते हैं। SIT को इसकी पूरी जांच सौंपी गई थी। नोएडा प्राधिकरण के अफसरों की लिस्ट मांगी गई थी। CM ने मांगे थे 2004 से लेकर 2017 तक के अफसरों के नाम। और 40 मंजिला टावर बनने में अधिकारियों की मिली भगत सामने आई थी। कई आरोप बड़े अधिकारियों पर लगे थे। अधिकारियों ने नहीं दिया वैध इमारत बनाने की मंजूरी और जो इसमें मिली भगत रही उन अधिकारियों ने जो 2004 से लेकर 2015 तक के अधिकारी थे उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी थी। इसके बाद 2005 से लेकर 2015 के बीच कई भूखंडों का आवंटन हुआ था। नियमों में बदलाव कर बिल्डरों को मनमानी करने की छूट दे दी गई थी। 10% रकम लेकर बिल्डर्स को दे दिए गए थे भूखंड और बिल्डरों को इसका फायदा भी पहुंचा था लेकिन अथॉरिटी को इसका नुकसान हुआ था। नियमों को ताक पर रखकर इसका निर्माण किया गया। रविंद्र मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रविंद्र, क्योंकि 2:30 बजे का समय बताया जा रहा है, लाइव इस वक्त रविंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रविंद्र, क्योंकि 2:30 बजे का समय है टेस्ट ब्लास्ट के लिए, लेकिन विस्फोटक पलवल से पहुंच चुका है और क्या जानकारी है बताइएगा। जी, जो विस्फोटक जो पदार्थ है वो इस साइड पर जो यहाँ पर जो ट्विन टावर है वहाँ पर जो पुलिस सुरक्षा के बीच जो पहुँच चुका है और जो टावर हैं जो पिलर हैं उनमें जो विस्फोटक जो सामग्री है वो लगाने का कार्य अभी किया जा रहा है। और यहाँ पर इस टावर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तस्वीरों पर साफ देख सकते हैं आप, यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। किसी भी तरह की कोई भी जो है कोई गतिरोध न पैदा हो जाए उसको लेकर जो है पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। और बता दें कि जिस तरह से जब विस्फोटक 2:30 बजे यहाँ पर जब किया जाएगा तो पूरी तरीके से उस रोड को बंद कर दिया जाएगा कि क्योंकि जिस तरह से जो यातायात है वो प्रभावित ना हो पहले ही रोड डाइवर्ट कर दिया गया है। और ये ट्विन टावर हैं, इसके पास जो सोसाइटियाँ हैं ATS और सुपरटेक जो बाजू में बनी हुई है उस सोसाइटी के लोगों को भी जो है सुरक्षा घेरा उस समय दिया जाएगा। और जिस समय 2:30 बजे विस्फोटक उस समय जब इन टावरों में होगा तो उससे पहले एक सायरन बजाया जाएगा। सायरन का यही उद्देश्य होगा क्योंकि लोगों को आगाह करना कि वो किसी भी तरह से वो लोग जो है अपने घर से बाहर ना निकले और बालकनी के अंदर बाहर भी जाने की उन लोगों को अनुमति नहीं होगी। जी। और रविंद्र, कितना समय लगेगा ट्रायल ब्लास्ट करने में? आपकी बातचीत हुई होगी जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, जो अधिकारी पहुंचे हैं, क्या बता रहे हैं वो, कितना समय लगेगा इसको करने में? जी, कुछ समय पहले ही जो यहाँ पर पलवल से विस्फोटक जो पदार्थ की सामग्री है वो यहाँ पर पहुँची थी और उसे अभी जो पिलरों में लगाने का कार्य किया जा रहा है क्योंकि समय लगता है उसमें। पिलरों के अंदर जो है छेद सुराख करना होता है, फिर उसके अंदर भरना होता है, फिर उसको जो है कवर करना होता है, तो उसको लेकर जो है समय लगेगा। और उसके बाद जब कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद ही जो है 2:30 बजे के करीब कर जो टावर है जो टेस्ट ब्लास्ट है वो किया जाएगा।